एवरीवन, दिस इज ब्रिज सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा कॉस्ट के ऊपर जबरदस्त प्रॉब्लम। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है, जहां पर क्लोथिंग स्टॉक ना नहीं दिया हुआ है। किसका क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है? रॉ मेटेरियल का क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी का क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया है, फिनिश गुड का क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया है। तो कैसे सॉल्व करने का ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है? चलो पढ़ता हूँ, एज्यूम करता हूँ फॉर्मेट आपको अच्छे से याद है। यस सर, याद है, हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस करते रहो। सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ द डिसंबर 2020। हाँ, कॉस्ट शीट बनाना है आपको। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 दिसंबर, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन किसका किसका ओपनिंग स्टॉक है? रॉ मेटेरियल का, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्किंग प्रोग्रेस, और फिनिश गुड का स्टॉक दिया हुआ है। रॉ मेटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग डिसंबर, इतना रॉ मेटेरियल कंज्यूम हो गया, कॉमन है, रॉ मेटेरियल में आएगा डायरेक्ट मटेरियल। वर्क कॉस्ट फॉर द मंथ, वर्क कॉस्ट फॉर द मंथ अच्छे से पढ़ना, आफ्टर एडजस्टिंग द डब्ल्यूआईपी, मतलब डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और क्लोजिंग एडलेस करने के बाद ये नेट वर्क कॉस्ट दिया। देखो ना क्या लिखा है, वर्क कॉस्ट फॉर द मंथ आफ्टर एडजस्टिंग वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब नेट वर्क कॉस्ट है, ठीक है? मैं लिख के रखता हूँ इसको, क्या दिया बेटा हमें, ये नेट वर्क कॉस्ट दिया। समझ में आया नेट वर्क कॉस्ट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दे आर एडजस्टेड द वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स आपने सोल्ड किया है उसका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कितना दिया है? 53,200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। कैरेज ऑन परचेस, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट मटेरियल में लिया जाता है। सेल ऑफ फिनिश गुड, ऑफकोर्स सेल्स है। डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री में आएगा, एडमिन ओवरहेड एडमिन में, सेलिंग ओवरहेड सेलिंग में लेंगे। इंटरेस्टिंग ये है, इसमें क्लोथिंग स्टॉक सर्च करना है, ठीक है? चलो ध्यान देना मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ, आप भी ऐसे प्रेजेंट करना। यस सर, जैसा मैं बताता हूँ बेटा वैसे सॉल्व करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिख देना कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ द डिसंबर। कॉस्ट शीट एक महीने का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, ठीक है? तो लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर। कभी कॉस्ट शीट बना रहे डिसंबर मंथ का, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर 2020 पर्टिकुलर 100 रुपीज। स्टार्ट करते सबसे पहले बेटा अपन रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट मटेरियल। अब जरा ध्यान देना जैसा मैं बताऊंगा, पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, केवल रॉ मटेरियल का आंसर इनर में लिखो, बाकी सब आउटर में लिखो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चलो सर्च करते हैं दिया है क्या। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मेटेरियल 25,000 दिया, यस सर, इसको इनर में लिखो, आउटर में मत लिखो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? चाहे तो लाइन ड्रॉ कर देना। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मेटेरियल 25,000, इसमें क्या ऐड करते हैं, परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल 21,900। तो ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल, कितना दिया है? 21,900, ठीक है? गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेस। 1,100 दिखाई दे रहा है, हाँ अभी दिख रहा है सर। गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेस 1,100, ऐड करेंगे 1,100, उसको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस, ठीक है सर? ये तीनों ऐड होगा और क्या लेस करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक लेस करेंगे। तो पहले इसको प्लस कर लो, तो 25,000 प्लस 21,900 प्लस 1,100 48,000 आता है टोटल। इसमें से क्या लेस करने का, लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल बच गया वो हम उसका पैसा कस्टमर से नहीं लेंगे, लेकिन होगा क्लोथिंग स्टॉक है लेकिन दिया नहीं है, जरूर कुछ बच गया रहेगा, ठीक है? हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो कट करने के बाद जो आंसर आएगा आउटर में, उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। क्या हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम है? बताओ जल्दी। ये देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है ना, कितना दिया है? 21,800। तो आउटर कॉलम में आंसर आएगा 21,800। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या हम लोग क्लोथिंग स्टॉक सर्च कर सकते हैं? यस और नो, क्या हम लोग क्लोथिंग स्टॉक सर्च कर सकते हैं? कमेंट में बताना वीडियो देखने से पहले। 48,000 टोटल है, आउटर कॉलम में 21,800 है, तो कितना माइनस किया रहे कि 21,800 हो गया? तो आप माइनस करो डिफरेंस, डिफरेंस निकालने का। कैसे निकालने का? देखो 48,000 है, 48,000 में से इसको माइनस करो, 48,000 माइनस 21,800 डिफरेंस आता है 26,200।
इसका ना 26,200 इज द क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, ये बैलेंसिंग फिगर है। फिलहाल मैं गोल कर रहा हूँ, एग्जाम में गोल मत करना बाजी, में बी एफ लिख देना बैलेंसिंग फिगर, एग्जाम में गोल मत करना, मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है। तो सबको समझा क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कैसे निकाला, ओपनिंग परचेस एड करेंगे, कैरेज एड करते तो 48,000 होता है आंसर, आउटर कॉलम में तो 21,800 दिया है, तो कितना माइनस करें कि 21,800 हो, आंसर 26,200 इज द क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? यस सर, शाबाश। नेक्स्ट अगला लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, चलो दिखा देता हूँ डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में। ये रहा डायरेक्ट वेजेस, कितना दिया है 17,200 दिखाई दिया, तो डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे 17,200। इसमें क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो जो डायरेक्ट होते हैं, ये भी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,200। तो नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना लिखेंगे 1,200, तीनों को प्लस कर दोगे तो आंसर आता है, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट बनाने में। तो 21,800 प्लस 17,200 प्लस 1,200 प्राइम कॉस्ट आता है आपको 40,200 आएगा, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने का। यहां तक क्लियर प्राइम कॉस्ट तक, प्राइम कॉस्ट कैसे निकाले। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो, फैक्ट्री ओवरहेड दिखाई दिया 9,100 रुपया, फैक्ट्री ओवरहेड 9,100, यस सर एक ही है ना, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 9,100। मेन आंसर मैं ऐड करते जाओ, मैं ऐड करते जा रहा हूँ, 40,200 प्लस 9,100 टोटल आता है 49,300। इस आंसर को बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया जाएगा, जो कितना दिया हुआ है देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,200 दिया हुआ है, मतलब कल का जो अधूरा हम आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको मेन आंसर में ऐड कर दो, ऐड 8,200 टोटल आता है 57,500। अब कुछ तो होगा क्लोथिंग स्टॉक ऑफ WIP, कुछ तो होगा क्लोथिंग स्टॉक ऑफ WIP, पता नहीं कितना होगा, नहीं दिया है। लेकिन आपको एक बात बता दो, ओपनिंग में आपको एक बात बता दो, ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, तो एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं नेट वर्क कॉस्ट। इस क्वेश्चन में गुड न्यूज, नेट वर्क कॉस्ट दिया था, देखो इसको नेट वर्क कॉस्ट बोलते हैं। वर्क कॉस्ट फॉर द मंथ आफ्टर एडजस्टिंग वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब नेट वर्क कॉस्ट दिया हुआ है, क्या दिया, नेट वर्क कॉस्ट दिया हुआ है 48,400। यस सर, नेट वर्क कॉस्ट दिया हुआ है कितना 48,400। सबको समझा, नेट वर्क कॉस्ट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, क्लियर बेटा, नेट वर्क कॉस्ट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो अभी क्या हम लोग इसका डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, यस सर, इनका डिफरेंस माइनस करने का, तो टोटल 57,500 है, टोटल 57,500 है, और ये आंसर 48,400 है। कितना माइनस किया कि 48,400 हो गया, माइनस करने का, माइनस 48,400 आंसर आता है 9,100, इसका मतलब क्लोथिंग स्टॉक WIP रहेगा 9,100, इट इज द बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रहा है, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, क्लियर यहां तक, यस सर। तो ओपनिंग WIP हो गया, क्लोजिंग WIP हमने सर्च कर लिया, नेटवर्क कॉस्ट है। अब क्या ऐड करेंगे, इस आंसर में ऐड करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, चलो दिखाता हूं क्वेश्चन में, एडमिन ओवरहेड दिखाई दे रहा है 3,200, यस सर एक ही है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 3,200, मेन आंसर में ऐड कर दो तो आंसर आएगा 51,600। इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बनाने में अभी तक खर्चा, यहां तक, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्वेश्चन में दिया है देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 17,300, मेन आंसर में इसको ऐड कर दो तो 51,600 प्लस 17,300 टोटल आता है 68,900। और क्या लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, एडलेस करने का एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बोलते हैं,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 53,200 गिवन इन द प्रॉब्लम। अब इसमें से कितना माइनस के कि 53,200 माइनस करने का, कम हो गया ना बेटा, तो डिफरेंस निकालने का उसका, तो 68,900 माइनस 53,200 डिफरेंस आता है 15,700। सुन रहे हो, 15,700 का डिफरेंस आता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर है। तीनों स्टॉक हमने ढूंढ लिया, रॉ मेटेरियल भी ढूंढ लिया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी ढूंढा, फिनिश गुड का भी स्टॉक ढूंढ लिया, ठीक है 15,200। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड, ऐड सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,200। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,200 मेन आंसर में ऐड कर दो, जब मेन आंसर में ऐड करोगे आंसर आएगा 57,400। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ऐड अ प्रॉफिट, ऐड अ प्रॉफिट तो आपको मिलेगा बेटा सेल्स, सेल्स मिलेगा। क्या क्वेश्चन में सेल्स दिया है, चलो दिखा देता हूँ, देखो सेल्स दिया हुआ है, देखो सेल ऑफ फिनिश गुड दिखाई दे रहा है 72,300। यस सर, तो सेल ऑफ फिनिश गुड कितना दिया, 72,300, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, माइनस करो तो 72,300 माइनस 57,400, तो प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर 14,900। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है 14,900, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, एग्जाम ऐसा गोल मत करना, ठीक है ये आपको दिखाने के लिए। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन ऑन कॉस्ट शीट, जहां पर एज्यूम करता हूँ समझ में आया ये वाला कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम, जहां पर हिडन इन्फॉर्मेशन क्या था, क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया था, सुन रहे हो क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया था, तो कैसे सॉल्व करना है, चलो एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं क्या था क्वेश्चन में। देखो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया था, परचेज दिया था, कैरेज दिया था, एड कर दो 48 होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है गिवन इन द क्वेश्चन, तो इनका जो डिफरेंस है ना माइनस करने का, तो क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल मिल गया। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करो तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करो, टोटल आता है। क्लोजिंग कैसे सर्च किया, नेट वर्क कॉस्ट दिया था, सुन रहे हो नेट वर्क कॉस्ट दिया था गिवन, ये राइट कर रहा हूं ना दिया हुआ है, सुन रहे हो जो राइट किया ना दिया था क्वेश्चन में गिवन इन द क्वेश्चन, तो डिफरेंस इज द क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ऐड करेंगे एडमिन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं दिया था लेकिन ये दिया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया था, समझ में आ रहा है, जो राइट किया इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो डिफरेंस इज द क्लोजिंग फिनिश गुड। ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, ऐड प्रॉफिट तो सेल्स, प्रॉफिट नहीं दिया था सेल्स दिया था, डिफरेंस इज द प्रॉफिट। ओके एज्यूम करता हूं समझ में आया कॉस्ट शीट का क्वेश्चन ये वाला। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।